बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके जो टेक्स्ट बुक है और सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उन सभी के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम परीक्षा की दृष्टि से जो आपके इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, जो कि आपके क्लोज या चैप्टर से लिए गए हैं, उनको समझेंगे। तो इसको स्टार्ट करने हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 1, अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। यदि आपको कोई डिफिकल्टी नजर आती है तो आप एक बार फिर से इस चैप्टर के वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे अ लेटर टू गॉड के इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट और उनका सॉल्यूशन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट नंबर 1 तो पढ़ेंगे हम। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर came up with an idea. Answer the letter, but आपका एक्सपेक्ट ए देखें। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपन्ड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टेप टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब यहाँ पर लेंचो जो पत्र लिखता है ईश्वर को, उसको पैसे की जरूरत रहती है, तो पत्र किसके पास जाता है? पोस्ट मास्टर के पास। और पोस्ट मास्टर, उसका जो विश्वास रहता है ईश्वर पे लेंचो का, वो बिगड़े ना, इसके लिए वो क्या करता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो गॉड को लेटर, उसका आंसर लिखता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है तो देखता है कि इसमें सिर्फ आशीर्वाद बस नहीं चाहिए, इसके साथ साथ कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए था उसको? 100 पैसों चाहिए थे। तो क्या करता है कि वो एक निश्चय करता है और वो अपने जितने भी उसके अंडर में एम्प्लॉय रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उन सबसे बोलता है कि अपनी अपनी वेतन का आप एक हिस्सा दान दीजिए, और खुद भी अपने सैलरी का एक पार्ट दान करता है ताकि वो लेंचो के विश्वास को कायम रख सके। अब इसका आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प द राइटर ऑफ द लेटर? पोस्टमास्टर कैसे मदद करता है इस पत्र के लिखने वाले को? यहाँ पर उसको नहीं मालूम कि लेंचो ने लिखा है, तो क्वेश्चन क्या है कि पोस्टमास्टर किस प्रकार से मदद करता है जो ये पत्र लिखता है? इसका आंसर बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, द पोस्ट मास्टर आस्क्ड ऑल द पीपल अराउंड टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर सैलरी, ही ऑल्सो गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू हेल्प द राइटर, कि वो सारे जिसके आसपास जो लोग रहते हैं, जो एम्प्लॉय रहते हैं, उन सबको अपनी सैलरी से कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करने को कहता है और अपने भी सैलरी का कुछ हिस्सा उसको कंट्रीब्यूट करता है, देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, द पोस्ट बी क्वेश्चन देखें, द पोस्ट मास्टर वॉज टस्ट टू सी द फेथ ऑफ राइटर इन गॉड, ट्रू है या फॉल्स? इसका आंसर है ट्रू। देखें, द पोस्ट मास्टर आस्क्ड मनी फ्रॉम, पोस्ट मास्टर किससे पैसे मांगता है? हिज मदर, हिज फादर, लेंचो और हिज एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वो किससे आंसर मांगता है, अपने एम्प्लॉयज से मांगता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द पोस्ट मास्टर आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन, The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lancho. Ab क्या होता है कि जब पोस्ट मास्टर उसको सारे पैसे इकट्ठे करके भेज देता है और लेंचो के पास वो पैसे पहुंचते हैं तो वो पैसे पूरे नहीं रहते, तो लेंचो को गुस्सा आ जाता है और वो फिर एक पत्र फिर से लिखता है।
तो क्या लिखता है उस पत्र को पोस्टमास्टर दोबारा पढ़ता है, उसमें लिखा रहता है कि हे ईश्वर, जो पैसे आपने मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों मेरे पास आए हैं, बाकी के जो पैसे हैं उनको भेजो, क्योंकि वो रुक गए, आपने भेजे नहीं है पूरे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बचे हुए पैसे भी मेरे तरफ भेज दो, लेकिन मेल के थ्रू नहीं भेजना, क्योंकि ये जितने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ना, ये सब कैसे हैं, बेईमानों का समूह है। ये कौन बोलता है? लेंचो बोलता है। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज लेंचो मीन बाय द रेस्ट? यहाँ पर लेंचो का मतलब द रेस्ट यानी बचे हुए से क्या मतलब था? बाय द रेस्ट लेंचो मीन्स दैट द 30 पैसों विच वेयर येट टू कम। यहाँ पर लेंचो का मतलब था कि जो 30 पैसों थे वो कम थे और वो अभी आने बाकी हैं। इसलिए क्योंकि क्या होता है, आपको इस लेसन का मालूम है अच्छे से कि लेंचो 100 पैसों मांगता है और उसमें से पोस्ट मास्टर उसको कितने दे पाता है, 70 पैसों दे पाता है। तो जो 30 पैसों रहते हैं ना, उसको लगता है कि गॉड ने तो पूरे पैसे भेजे लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों ने ये पैसे निकाल लिए हैं, तो वो दोबारा गॉड को पत्र लिखता है और उससे बोलता है नहीं, जो द रेस्ट मनी है, जो 30 पैसों है, वो मुझे फिर से वापस भेज दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। लेंचो वॉज थैंकफुल टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आफ्टर रिसीविंग मनी। अब यहाँ पूछा है कि जब लेंचो को पैसे मिल जाते हैं तो क्या वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है, हाँ या ना, सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स। यहाँ आंसर सही क्या हो जाएगा? फॉल्स। मतलब लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए थैंकफुल नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन हिज लेटर टू गॉड लेंचो आस्क्ड फॉर, मतलब जब वो ईश्वर को पत्र लिख रहा था तो लेंचो ईश्वर से क्या मांगता है? क्वेश्चन के आंसर देखेंगे अपन, इसमें से अपन सही आंसर ढूंढेंगे बच्चों। पहला है 80 पैसों, सेकेंड वन है 100 पैसों, थर्ड है 200 पैसों और फोर्थ है 150 पैसों। सो द राइट आंसर इज सेकेंड, 100 पैसों। तो लेंचो किस चीज के लिए आस्क करता है गॉड से, कितने पैसे मांगता है? 100 पैसों मांगता है। तो बच्चों ये था आपका लेसन 1 अ लेटर टू गॉड के इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट। मुझे आशा है आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बच्चों।